हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। तो आज की वीडियो में हम द एडवेंचर्स ऑफ द थ्री ग्रेट एप्स का द एंड करने वाले हैं। मतलब ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पेज 48 पर थे, 48 के एंड पर पढ़ रहे थे हम, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। बहुत स्टोरी है ये 17 पेजों की, तो इसको आज छोटी सी स्टोरी को एंड कर देंगे हम। तो हमने पढ़ लिया था कि डेंजर क्या है, ये हमने पढ़ना था। हम यहाँ पर यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो हमने आगे पढ़ना था कि अब वहाँ पर जो है डेंजर वो क्या है। सो वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी हार्ड केस। अब ये बात कौन बोल रहा है? शेरलॉक होम्स बोल रहा है दैट वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी हार्ड केस। आई हैव आइडेंटिफाइड मिस्टर जॉन गैरिडेब, काउंसिलर एट लॉ। ही इज़ नन अदर देन किलर इवांस ऑफ सिनिस्टर एंड मर्डरस रेप्यूटेशन। तो अब ये बात शेरलॉक होम्स बोल रहा है कि ये केस जो है ये हमने जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। मैंने जो हमारे जॉन गैरिडेब हैं उनके बारे में तलाश की है, जो कि लॉ काउंसिलर हैं, उनके बारे में तलाश की है, तो वो और कोई नहीं है, वो किलर इवांस है, मतलब वो खूनी है, कातिल है। और सिनिस्टर, सिनिस्टर का मीनिंग होता है खराब, और उसकी क्या है, मर्डरस रेपुटेशन है, यानी कि वो कातिल के नाम से जाना जाता है। आई फियर आई एम नन द वाइजर। और अब ये बात फिर बोलता है कि अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे पता लग रहा है कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? डॉक्टर वॉटसन। अब आगे है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन टू कैरी अबाउट अ पोर्टेबल न्यू गेट कैलेंडर इन योर मेमोरी। तो अब बात आती है न्यू गेट। न्यू गेट क्या होता है? न्यू गेट वॉज वन ऑफ द हिस्टोरिक 7 गेट्स ऑफ द लंडन वॉल। मतलब लंडन की जो वॉल है उसमें हिस्टोरिक 7 गेट्स हैं, मतलब पौराणिक हैं, उनमें से एक न्यू गेट है। तो ये बात ये बोल रहा है कि तुम्हें मतलब एक ताना कह सकते हैं, या फिर एक तरह की बात कह सकते हैं, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें ये चीज़ें याद रखें कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस से ही तुम्हें ये चीज़ें समझ आएंगी। आई हैव बीन डाउन टू सी फ्रेंड लेस्ट्रेड एट द यार्ड। कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था लेस्ट्रेड से यार्ड में। देयर मे बी एन ओकेजन वॉन्ट ऑफ इमेजिनेटिव इंट्यूशन डाउन देयर, बट दे लीड द वर्ड ऑफ थ्रोनेस एंड मेथड। अब यहाँ पर वर्ड्स आए हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का मीनिंग होता है सहज बुद्धि, यानी कि बिना किसी बात के ही, मतलब बिना तर्क के ही किसी की बात को सही मान लेना। और थ्रोनेस क्या है? थ्रोनेस है पूर्णता, यानी कि किसी चीज़ की डीपली या प्रॉपरली। तो यहाँ पर बात क्या है एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। आई हैव बीन डाउन टू सीन ओके देयर मे बी एन ओकेजनल वॉन्ट ऑफ इमेजिनेटिव इंट्यूशन डाउन देयर बट दे लीड द वर्ड ऑफ थ्रोनेस एंड मेथड। कि वहाँ पर मैंने ना चाहने वाली भी चीज़ें देखी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप, जो सोच भी नहीं सकते उतनी डीप चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी हैं, जो कि हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा परे है। आई हैड एन आइडिया दैट वी माइट गेट ऑन द ट्रैक ऑफ द अमेरिकन फ्रेंड इन देयर रिकॉर्ड्स। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि हम उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उनमें हमारे इस अमेरिकन फ्रेंड है जो हमारा जॉन गैरिडेब, इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। श्योर इनफ आई फाउंड हिज चबी फेस स्माइलिंग अप एट मी फ्रॉम द रग्स पोर्ट्रेट गैलरी। और फिर वो कहता है कि इतना ही नहीं, मैंने फिर क्या देखा, मैंने वहाँ पर देखा जो हमारा अमेरिकन दोस्त है उसका चबी सा स्माइली सा फेस जो है वो वहाँ की गैलरी में टंगा हुआ था। रग्स, रग्स का क्या मीनिंग होता है? गुंडा या शरारती, यानी कि जो, मतलब कह सकते हैं एकदम से वॉन्टेड पर्सनस होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे खोज की जा रही होती है, कातिल या गुंडे वगैरह होते हैं। उन फोटोज़ में उसने उस बंदे का नाम देखा जो कि क्या था, जेम्स विंटर, एलाइस मोरक्राफ्ट और एलाइस किलर इवांस। तो यहाँ पर ये तीन नाम दिए गए हैं। ये तीन नाम किसके हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने कैरेक्टर देखा स्टार्टिंग में जॉन गैरिडेब नाम का, वो जॉन गैरिडेब उसका फेक नेम था, और ये तीन नाम से इसकी खोज की जा रही है, जेम्स विंटर, मोरक्राफ्ट और किलर इवांस नाम से इसको खोजा जा रहा है। वॉज द इंस्क्रिप्शन बिलो, मतलब इस नाम, ये तीन नाम दिए गए थे कि ये तीन नाम में से कोई भी नाम वाला बंदा इस फोटो के साथ आपको मिलता है या ये उसकी शक्ल है तो वो आप इसे रिपोर्ट कर दीजिए।
होम्स ड्रू एन एनवलप फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसके बाद क्या है, शेरलॉक ने अपने पॉकेट में से एक एनवलप निकाला, उसमें आई स्क्रिबल्ड डाउन अ फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम हिज डोजियर। अब स्क्रिबल्ड क्या क्या मीनिंग होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ लिखते हैं अपने, और डोजियर क्या होता है, दस्तावेज या फाइल। तो वो कहता है कि मैंने जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट जो है वो उसकी फाइल से लिखे, मतलब उसके बारे में जो भी डीपली लेकर आया था हमारा शेरलॉक। एज्ड 44, नेटिव ऑफ शिकागो, नोन टू हैव शॉट थ्री मैन इन द स्टेट्स। और अब बताता है कि मैंने जल्दी जल्दी में क्या लिखा कि उसकी उम्र कितनी है, 44 साल, शिकागो का वो रहने वाला है, और वो किस लिए खोजा जा रहा है, क्योंकि उसने स्टेट में 3 लोगों को शॉट किया था, यानी कि मारा था। एस्केप द पेनिटेंशरी थ्रू पॉलिटिक इन्फ्लुएंस, और वो क्या है, जेल से, पेनिटेंशरी होता है जेल या फिर प्रिजन, कि वो जेल से भी छूट गया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, उसके पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स थे इसलिए। केम टू लंदन इन 1893, और फिर वो 1893 में लंदन आ गया। अब 1893, अब मैंने स्टार्टिंग में एक ईयर बताया था हमारी स्टोरी कहाँ सेट है, हमारी स्टोरी सेट है 1902 में, 1902 की बात चल रही है। शॉट अ मैन ओवर कार्ड्स इन अ नाइट क्लब इन द वाटरलू रोड इन जनवरी 1895। मतलब वो लंदन में 1895 आया, फिर वाटरलू रोड पे क्लब में उसने क्या 1895 में एक और आदमी को मार दिया कार्ड नाइट क्लब में। वो बंदा फिर वो मर गया, बट ही वॉज शोन टू हैव बीन द एग्रेसर इन द रो। डेड मैन वॉज आइडेंटिफाइड एज रोजर प्रेसबरी, फेमस एज फॉर्गर एंड कोइनर इन शिकागो। अब ये जो एक नया इंट्रोडक्शन आ रहा है एक बंदे का, कि जिस बंदे को उसने 1895 में मारा था वो क्या है, मतलब एक फाइटिंग पर्सन लग रहा था, मतलब एग्रेसर होता है जो मतलब पहले फाइट स्टार्ट करता है, तो उसने पहले स्टार्ट की थी फाइट, और इसके बाद इसने इसे डेड शॉट कर दिया था, यानी कि मार दिया था। जो बंदा मरा था वो किस नाम से पहचाना गया, वो पहचाना गया रोजर प्रेसबरी, और वो फेमस किस लिए था, फॉर्गर था वो, फॉर्गर यानी कि जो नकली नोट छापता है इलीगली, शिकागो में वो नकली नोट छापने के लिए फेमस था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, किलर इवांस रिलीज्ड इन 1901। अब इस बंदे को 1895 में प्रेसबरी को मारने के चक्कर में इसे 5 साल की या 6 साल की जेल हो गई थी, और 1901 में इसे आज़ादी मिली। हैज़ बीन अंडर पुलिस सुपरविजन सिंस, बट सो फार एज नोन हैज़ लेड एन ऑनेस्ट लाइफ। और फिर कहते हैं कि मतलब पुलिस की सुपरविजन में ये रहा था, और उसके बाद से क्या है, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है अभी तक। वेरी डेंजरस मैन, यूजुअली कैरीज आर्म्स एंड इज़ प्रिपेयर्ड टू यूज़ देम। अब वो उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं शेरलॉक की, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, मतलब अपनी मदद करने के लिए हमेशा अपने हथियार अपने पास रखता है। दैट इज़ आर बर्ड वॉटसन, अ स्पोर्टिंग बर्ड एज यू मस्ट एडमिट। और फिर कहता है कि ये हमारा शिकार है वॉटसन, यही हमारा मतलब उड़ती चिड़िया है हमारी, इसी को हमने शिकार बनाना है अपना। एज़ यू मस्ट एडमिट, यही तुमने मानना पड़ेगा। अब ये सारी जो इस पैराग्राफ में चीज़ें आई थी ये क्या था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि इसके 3 नाम और मिले हैं, जेम्स विंटर, मोलक्राफ्ट और किलर इवांस। ये सभी किसके नाम है, जॉन गैरीडेव के। उसके अलावा इसने 1895 में एक बंदे को मारा था जिसका नाम है प्रेसबरी, जिसका काम क्या था, नकली नोट छापने का। इसके लिए इसे 5 साल की जेल भी होगी थी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इज़ हिज गेम, तो डॉक्टर वॉटसन है वो पूछते हैं कि लेकिन इसका अब गेम क्या है। वेल इट बिगेंस टू डिफाइन इटसेल्फ, तो ये कहता है कि ये तो हमें खुद ही खोजना पड़ेगा। आई हैव बीन टू द हाउस एजेंट्स, अब इसने पहले शेरलॉक होम्स ने पहले उसे एजेंट्स के बारे में पूछा था, तो वो कहता है कि मैं हाउस एजेंट्स के घर के पास भी गया था, और क्लाइंट एज He told us has been there 5 years. तो वो कहता है कि जैसे हमारे क्लाइंट ने बताया था उस अकॉर्डिंगली ये 5 साल से वहीं रह रहा है हमारा क्लाइंट, ऐसा मुझे एजेंट से भी पता चला है। It was unlocked for a year before then. अब शेरलॉक कहता है कि मतलब 5 साल तो इसको रहते को हो गए हैं वहाँ पर, लेकिन 5 साल पहले क्या है, ये 1 साल के लिए क्या है, जिस फ्लैट में या जिस जगह पर जिस रूम में ये रह रहा है नैथन गैरीडे, वो 1 साल तक खाली रहा था। द प्रीवियस टेनेंट वॉज अ जेंटलमैन एट लार्ज नेम्ड वाल्ड्रन। अब यहाँ पर एक और नया करेक्टर आया वाल्ड्रन, तो टेनेंट का क्या मतलब होता है, किराएदार। वो कहता है कि 1 साल खाली रहने से पहले एक बड़े से नाम का बंदा वाल्ड्रन नाम का बंदा रहता था,
वॉल्ड्रन्स अपियरेंस वॉज वेल रिमेंबर्ड एट द ऑफिस, और क्या है वॉल्ड्रन का ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा नाम था, ही हैड सडनली वैनिश्ड एंड नथिंग मोर बीन हर्ड ऑफ हिम। और फिर वो कहता है कि एजेंट से उसे क्या पता चला, हाउस एजेंट से, कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा था और ऑफिस में भी इसका काफ़ी नाम था, लेकिन अचानक से ही गायब हो गया और उसके बारे में फिर हमें कुछ पता नहीं चला। ही वॉज अ टाल बियर्डेड मैन विद वेरी डार्क फीचर्स, और वो कहता है कि उसकी बस इतनी सी पहचान है कि वो काफ़ी लंबा सा था, दाढ़ी भी थी उसके और मतलब डार्क फीचर्स से थे, मतलब थोड़ी शक्ल सांवले से रंग का था। नाउ प्रेसबरी द मैन होम किलर इवांस हेड शॉट वॉज अकॉर्डिंग टू स्कॉटलैंड यार्ड अ टॉल डार्क मैन विद अ बियर्ड, और वो कह रहा है कि अब प्रेसबरी जो है वो उसकी जगह रह रहा था शायद, मतलब ये आइडिया कौन लगा रहा है, शेरलॉक होम्स लगा रहा है कि जो किलर इवांस ने जिस बंदे को मारा था प्रेसबरी को, उसी ने प्रेसबरी ने ही इस बंदे को यानी कि ये जो हमारा नया कैरेक्टर है वाल्ड्रॉन, इसको गायब करके इसकी जगह ले ली थी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, किलर इवांस ने जिस बंदे को मारा उसका नाम क्या है, प्रेसबरी, और प्रेसबरी ही वही बंदा है जिसने वाल्ड्रॉन को मारकर और उसकी जगह रहने लग गया था। वॉज अकॉर्डिंग टू द स्कॉटलैंड, ओके ये हो गया। एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस आई थिंक वी मे टेक इट दैट प्रेसबरी द अमेरिकन क्रिमिनल यूज टू लिव इन द वेरी रूम विच आर इनोसेंट फ्रेंड नाउ डिवोर्स टू हिज म्यूजियम। अब यहाँ पर वेरी वेरी वर्ड जो यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है सेम रूम, ओके रूम यहाँ पर आया है इसलिए रूम आया है, तो ये नाउन से पहले वेरी एडजेक्टिव लग रहा है, इसका मीनिंग है सेम। एडवर्ब होती है उसका बहुत अधिक मीनिंग होता है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव यूज हुआ है इसका मीनिंग होगा सेम। तो ये कहते हैं वर्किंग एज ए वर्किंग हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस यानी कि वो काम करने के अकॉर्डिंगली अनुमान जैसे मैंने लगाया है, तो प्रेसबरी जो है वो क्या है, एक अमेरिकन क्रिमिनल है जो कि उसी सेम रूम में रहने लग गया था, विच आर इनोसेंट फ्रेंड नाउ डिवोर्स, यानी कि जिस रूम में वो हमारा दोस्त रह रहा है नैथन गैरीडेप, जिसने अब उसको म्यूजियम बना रखा है, उसी सेम रूम में प्रेसबरी रहने लग गया था, और प्रेसबरी ने उस रूम में रहने वाले बंदे को यानी कि ये जो हमारा बंदा आया था वार्डरोब, इसने इसको गायब किया प्रेसबरी ने और फिर उसकी जगह रहने लग गया। शायद आपको कंफ्यूजन होने लग गई होगी, थोड़ी बहुत हो जाती है, एक बार फिर से इसे रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो एट लास्ट वी गेट अ लिंक यू सी, अब शेरलॉक कहते हैं कि अब हमें कोई ना कोई कनेक्शन मिल गया, तुम देख रहे हो। एंड द नेक्स्ट लिंक, तो वॉटसन पूछता है कि अब अगला क्या लिंक मिलेगा हमें, वेल वी मस्ट गो एंड लुक फॉर दैट, तो कहते हैं कि अब इसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा। ही टुक ए रिवॉल्वर फ्रॉम द ड्रॉर एंड हैंडेड इट टू मी, तो शेरलॉक ने एक रिवॉल्वर ड्रॉर से निकाली और वो मुझे दे दी। आई हैव माई ओल्ड फेवरेट विद मी, इफ़ आवर वाइल्ड वेस्ट फ्रेंड ट्राइज टू लिव अप टू हिज निकनेम वी मस्ट बी रेडी फॉर हिम। अब शेरलॉक कहता है कि मैंने मेरे पास तो अपनी फेवरेट वाली जो गन है वो रख लिया, और हमारा जो खूंखार या काफ़ी ज़्यादा शातिर फ्रेंड है जो अमेरिका का है, वो अपने रियल निकनेम यानी कि जो उसके वांटेड नेम्स थे तीन, उसी अवतार में आता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं यानी कि वो खूंखार ज़्यादा ना बने। आई विल गिव यू एन आर फॉर ए सिएस्टा, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सिएस्टा, सिएस्टा का मीनिंग होता है दोपहर का आराम, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लगभग एक घंटा देता हूँ दोपहर के आराम के लिए वॉटसन, एंड देन आई थिंक इट विल बी टाइम फॉर अ राइडर स्ट्रीट एडवेंचर, कि मैं तुम्हें एक घंटा दे रहा हूँ, अब एक घंटे के बाद क्या है, हम राइडर स्ट्रीट के एडवेंचर की तरफ चलेंगे यानी कि नैथन गैरीडेप के घर चलेंगे। अब भैया समय हो गया था, 4 बज गए थे, इट वॉज जस्ट 4 o'clock, 4 बज गए व्हेन वी रीच द क्यूरियस अपार्टमेंट ऑफ नैथन गैरीडेप, तो नैथन गैरीडेप के अपार्टमेंट में पहुँच गए थे 4 बजे। मिसिज साउंडर्स द केयर टेकर वॉज अबाउट टू लीव बट शी हैड नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग अस फॉर द डोर शट विद स्प्रिंग लॉक एंड होम्स प्रोमिस्ड टू सी दैट ऑल वॉज सेफ बिफोर वी लेफ्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि वो उनके अपार्टमेंट में पहुँचे नैथन गैरीडेप के, मिसेज सैंड्रस जो वहाँ की केयर टेकर थी वो लगभग जाने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अटेंड किया यानी कि शेरलॉक को और डॉक्टर वॉटसन को अटेंड किया, और फिर वहाँ पर स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था तो वो उससे दरवाज़ा बंद था या फिर उन्होंने बंद किया, और शेरलॉक ने प्रॉमिस किया था कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो सब कुछ सेफ रहेगा यानी कि कुछ भी
खिलरा हुआ नहीं रहेगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स द आउटर डोर क्लोज, जैसे ही बाहर का दरवाजा बंद हुआ, हर बोनेट पास द बो विंडो एंड वी न्यू दैट वी वर अलोन इन द लोअर फ्लोर ऑफ द हाउस। और अब वो कहते हैं कि जैसे हमें बोनेट, बोनेट का मीनिंग वैसे तो कार के आगे वाला पार्ट होता है, पर यहाँ पर क्या है, टोपी, एक मतलब जो वुमेन्स पहनती हैं सिर पर टोपी, जिससे कि उनका पूरा फेस कवर हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उसका सिर जो है वो खिड़की से हमें दिखना बंद हो गया था, जैसे वो वहाँ से पास हुई और हम नीचे वाले फ्लोर में अकेले रह गए थे उनके जाने के बाद। होम्स मेड अ रैपिड एग्जामिनेशन ऑफ द परमाइसिस, और उसके बाद क्या है, हमारे शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव हैं उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। देयर वॉज वन कपबोर्ड इन द डार्क कॉर्नर विच स्टूड आउट अ लिटिल फ्रॉम द वॉल, और वो कह रहे कि वहाँ पर एक और अलमारी सी दिख रही थी जिसके की मतलब जो कि दीवार से थोड़ी बहुत बाहर की तरफ दिख रही थी। इट वॉज बिहाइंड दिस दैट वी इवेंचुअली क्राउच्ड, क्राउच्ड का मीनिंग होता है दुबक्कर, एक्चुअली दुबक्कर इसका मीनिंग होता है, या फिर बैंड करके अपनी लेग्स को और ग्राउंड की तरफ बैठना। तो वो कह रहा है कि वहाँ पर एक कपबोर्ड था जो कि बिल्कुल कॉर्नर में था, आउट अ लिटिल फ्रॉम द वॉल, ये लाइन तो सॉरी हो गई थी, इट वॉज बिहाइंड दिस दैट वी इवेंचुअली क्राउच्ड। तो वो कह रहा है ये जस्ट उसके पीछे था जिसे कि हमने मतलब नीचे झुक कर के देखा था, वाइल होम्स इन अ विस्पर आउटलाइंड हिज इंटेंशन, और इतने में क्या है शेरलॉक होम्स ने अपने इंटेंशंस अपने बता दी थी धीरे धीरे बोलकर। सो नेक्स्ट क्या है, ही वॉन्टेड टू गेट अर एमेबल एमिएबल फ्रेंड आउट ऑफ हिज रूम, दैट इज़ वेरी क्लियर, एंड एज द कलेक्टर नेवर वेंट आउट इट टुक सम प्लानिंग टू डू इट। अब क्या था कि हमारा जो मिलनसार दोस्त है वो मतलब यहाँ पर नैथन गैरिडेव की बात हो रही है कि वो ज़्यादातर रूम से बाहर जाता नहीं था, तो ये साफ है कि उसे बाहर निकालने के लिए या अकेले में उस रूम में जाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो करनी ज़रूरी थी ही। द होल ऑफ दिस गैरिडेव इन्वेंशन वॉज अपारेंटली फॉर नो अदर एंड, और इसीलिए गैरिडेव वाली जो बात थी इसका कोई मतलब अंत तो निकल नहीं रहा था इतनी खोज के बाद भी। सो आई मस्ट से वॉटसन दैट देर इज़ अ सर्टेन डेविलिश इनजेनिटी अबाउट इट, तो वो कहता है कि इसमें और ना कोई तो बात छिपी हुई है, इनजेनिटी है, कोई ना कोई तो और चलाकी की गई है इसमें वॉटसन। इवन इफ द क्वियर नेम ऑफ द टेनेंट डिड गिव हिम एन ओपनिंग विच ही कुड हार्डली हैव एक्सपेक्टेड, ही वोव हिज प्लॉट विद रिमार्केबल क्यूनिंग। अब वो कह रहा है शेरलॉक होम्स कह रहा है कि ये चालाकी तो इसने काफ़ी ज़्यादा कर ली है, अब ये जो डिफरेंट नेम का यूज़ करके, यानी कि गैरिडेव नेम जो है, अजीब नाम जो है वो किराएदार का यूज़ करके इसने इस घर में एंट्री तो ले ली थी, यानी कि एक शुरुआत तो कर ली थी जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही एक्सपेक्ट किया था। ही वोव हिज प्लॉट विद रिमार्केबल क्यूनिंग, अब उसके बाद क्या है, उसने अपना जो जाल बुना था वो धीरे धीरे क्या है चालाकी से काम करने लग गया था, यानी कि धीरे धीरे चालाकी से अपना जाल बुनना उसने शुरू कर दिया। बट वट डिड इट वॉन्ट, तो अब वो पूछता है डॉक्टर वॉटसन की लेकिन उसे चाहिए क्या, तो आगे है वेल दैट इज वट वी आर हेयर टू फाइंड आउट, तो वो कहता है कि यही तो बात है जो हमें खोजनी है अब। इट हैज़ नथिंग वट एवर टू डू विद आर क्लाइंट, इसका हमारे क्लाइंट से लेना देना तो कोई नहीं है भाई, सो फार एज आई कैन रीड द सिचुएशन, जैसे कि मैं सिचुएशन को पढ़ पा रहा हूँ तो इससे हमारे क्लाइंट का लेना देना कोई भी नहीं है, यानी कि नैथन गैरिडेव से लेना देना नहीं है इसको। इट इज़ समथिंग कनेक्टेड विद द मैन ही मर्डर्ड, ये उस बंदे से लेना देना है जिसका इसने मर्डर किया था, प्रेसबरी का मर्डर किया था इसने 1895 में, उससे लेना देना है इसका। द मैन हु मे हैव बीन हिज कन्फेडरेट इन क्राइम, जो कि इसका मतलब क्राइम में कहीं ना कहीं साथी रहा होगा उसी से लेना देना है। देयर इज सम गिल्टी सीक्रेट इन द रूम, यहाँ पर कुछ ना कुछ राज तो जरूर छुपा हुआ है। दैट इज़ हाउ आई रीड इट, एट फर्स्ट आई थॉट आवर फ्रेंड माइट हैव समथिंग इन हिज कलेक्शन मोर वैल्यूएबल देन ही न्यू, समथिंग वर्थ द अटेंशन ऑफ अ बिग क्रिमिनल, और अब वो कह रहा है शेरलॉक होम्स की पहले तो मुझे लगा था कि हमारे फ्रेंड यानी कि नैथन गैरिडेव के कलेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वैल्यूएबल होगी, लेकिन अब मुझे समझ रहा है आ रहा है कि ये धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ क्रिमिनल थिंग है बड़ी सारी। बट द फैक्ट दैट रोजर प्रेसबरी ऑफ एविल मेमरी इनहैबिटेड दीज रूम्स पॉइंट्स टू सम डीपर रीजन, और यहाँ पर एक वर्ड आया है इनहैबिटेड, इनहैबिटेड का मतलब है निवसित या बसा हुआ, यानी कि एक जगह पर रहने वाला, और वो कह रहा है कि रोजर प्रेसबरी भी यहाँ पर किसी न किसी चालाकी की वजह से इस रूम में रहा होगा काफ़ी समय तक।
वेल वॉटसन, वी कैन बाय पोजेस बट वी कैन बट पोजेस आवर सोल्स इन पेशेंस एंड सी व्हाट द आवर मे ब्रिंग. लेकिन कहता है कि लेकिन वॉटसन अब हमें थोड़ा अपने मन को शांति देनी चाहिए और क्या है धीरे धीरे इस बात में घुसना चाहिए, मतलब थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए कि इस घंटे में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखा जाएगा. दैट आर वॉज नॉट लॉन्ग इन स्ट्राइकिंग, वी क्राउच्ड क्लोजर इन द शेडो एज वी हर्ड द आउटर डोर ओपन एंड शट. और कह रहा है कि एक घंटा अभी थोड़ा बहुत शुरू ही हुआ था, मतलब इतना बीता भी नहीं था कि हमने क्या है वी क्राउच्ड क्लोज इन द शेडो कि हम नीचे दुबक कर बैठे हुए थे, इतने में ही हमने गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी. दैट केम द शार्प मेटेलिक स्नैप ऑफ अ की एंड द अमेरिकन वॉज इन द रूम. ओके, अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे जॉन गैरीडेब की, जो कि अमेरिकन है बंदा, यानी कि खुद को अमेरिकन बता रहा है. उसने बड़ी सारी मेटेलिक चाबी से, एक तीखी सी चाबी से उस गेट को खोला था और रूम में एंटर हो गया था. ही क्लोज्ड द डोर सॉफ्टली बिहाइंड हिम, टुक अ शार्प ग्लैंस अराउंड हिम टू सी दैट ऑल वॉज सेफ, थ्रू ऑफ हिज ओवरकोट एंड वॉकड अप टू द सेंट्रल टेबल with the brisk manner of one who knows exactly what he has to do and how to do it. अब क्या है वो रूम में एंटर हो गया था बंदा, धीरे धीरे उसने शांति से गेट बंद किया, फिर धीरे से इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा कि अब सारा कुछ सेफ है, तो उसने क्या है अपना जो कोट पहना हुआ था वो उतार दिया और सेंट्रल टेबल की तरफ चल दिया. एंड brisk manner of one who keeps, और उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया है brisk. brisk का मतलब है तेज या फुर्तीला, यानी कि एकदम तेजी से ही क्या है वो कुछ ना कुछ करने लग गया था. ही पुश्ड द टेबल टू वन साइड, टोर अप द स्क्वायर ऑफ कारपेट ऑन विच इट रेस्टेड, रोल्ड इट कम्प्लीटली बैक एंड देन ड्रॉइंग ए जिमी फ्रॉम हिज इनसाइड पॉकेट ही नेल्ट डाउन एंड वर्कड वाइजरसली अपॉन द फ्लोर. अब उसके बाद क्या हुआ, उसने टेबल को जोर से धक्का मारा, उसके ऊपर जो कारपेट बिछा हुआ था उसे फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उठाकर समेट दिया. ड्रॉइंग ए जिमी, जिमी का मीनिंग होता है रंबा, यानी कि एक मतलब किसी गेट खिड़की या किसी नीचे वाले लकड़ी वाले फर्श को उखाड़ने के लिए यूज़ की जाने वाली एक थिंग. तो उसने अपना जिमी जो है अपनी जेब से निकाला और उसके बाद नेल्ट डाउन यानी कि घुटने टेक कर बैठ गया वहाँ पर और वाइजरसली यानी कि पूरे उत्साह से जोश से वो उस फ्लोर को खोदने लग गया था. Presently we heard the sound of sliding boards and an instant later a square had opened in the planks. और इतनी ही देर हुई थी कि हमने मतलब थोड़ी सी देर बीती ही थी कि हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक लकड़ी का स्क्वेयर जो है प्लैंक जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है. Killer Evans struck a match, lit a stump of candle and vanished from our view. अब किलर इवांस जो हमारे जॉन गैरीडेब हैं वो एक मैच खेल रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हैं. उन्होंने एक कैंडल जगाई और अचानक से वो हमारी आंखों से ओझल हो गए, यानी कि हमारे सामने से गायब हो गए. क्लियर्ड आवर मोमेंट हैड कम, क्लियरली आवर मोमेंट हैड कम, और अब हमारा समय आ गया था. होम्स टच माई रिस्ट एज अ सिग्नल एंड टुगेदर वी स्टॉल अक्रॉस टू द ओपन ट्रैप डोर. अब शेरलॉक ने भी क्या किया, शेरलॉक ने मेरी कमर पे हाथ रखा, यानी कि मुझे हथेली पर, रिस्ट पर हाथ रखा और क्या किया, एक सिग्नल दिया मुझे. और उसके बाद क्या है, हम दोनों ट्रैपडोर उस खुफिया रास्ते की तरफ चल दिए. जेंटली एज वी मूव्ड हायर द ओल्ड फ्लोर मस्ट हैव क्रीक्ड अंडर आवर फीट फॉर द हेड ऑफ आवर अमेरिकन पियरिंग एंशियसली राउंड एमर्ज सडनली फ्रॉम द ओपन स्पेस. अब क्या हुआ, जैसे हम धीरे धीरे जा रहे थे तो वो पुराना सा फ्लोर था वो हमारे पैरों के नीचे आ गया और एकदम से अजीब सी चरमराहट की आवाज़ हुई, जिससे क्या है अमेरिकन जो है वो एकदम से घबरा गया, चिंतित हो गया था और एकदम से अचानक से देखने लग गया ऊपर की तरफ ओपन स्पेस में. हिज फेस टर्न्ड अपॉन अस विद अ ग्लेयर ऑफ बैफल्ड रेज विच ग्रेजुअली सॉफ्टन्ड इनटू अ रादर स्ट्रेट शेम फेस्ड ग्रिन एज ही रियलाइज्ड दैट टू पिस्टल्स वर पॉइंटेड एट हिज हेड. अब क्या था, जैसे ही वो बैफल्ड रेज का मतलब होता है उलझन में डाल देना या फिर गुस्सा होना, तो जैसे ही वो मतलब उसने घूमा तो मतलब वो घूमा जैसे ही तो वो एकदम से चकित हो गया या फिर उलझन में आ गया, क्योंकि हमारे हाथ में क्या थी, गन्स थी और वो दोनों गन्स जो है वो उसके सिर पर हमने ताम दी थी.
अब आगे है वेल वेल सैड ही कूली एज ही स्क्रैम्बल्ड टू द सरफेस। अब यहाँ पर वर्ड है स्क्रैम्बल्ड। स्क्रैम्बल्ड का मीनिंग होता है या तो कह सकते हैं हाथापाई करना या फिर हाथों के सहारे मतलब जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ना। तो वो कह यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लग गया था सरफेस की तरफ। आई गेस यू हैव बीन वन टू मैनी फॉर मी मिस्टर हॉल्म्स। अब ये बात कौन बोल रहा है? जॉन गैरिडे बोल रहा है। वो बोल रहा है कि आप अकेले ही मेरे लिए शायद काफ़ी होंगे। सो थ्रू माई गेम आई सपोज एंड प्लेड मी फॉर अ सकर फ्रॉम द फर्स्ट वेल सर आई हैंड इट टू यू यू हैव मी बीट एंड। अब यहाँ पर वर्ड आया सकर। सकर का क्या मीनिंग होता है? सकर का मीनिंग भोला भाला, कि आप मेरा गेम देख रहे हैं क्या? अब ये शेरलॉक होम्स को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जॉन गैरिडेब, कि आप मेरा गेम देख रहे हैं क्या कि मैंने कैसे सोचा और कैसे इस गेम को खेला भोला भाला बनकर। लेकिन आपको भी हैट्स ऑफ है कि आपने मुझे पकड़ लिया। इन एन इंस्टेंट ही हैड विस्क्ड आउट अ रिवॉल्वर फ्रॉम हिज ब्रीस्ट पॉकेट एंड हैड फायर्ड टू शॉट्स। तभी क्या हुआ कि उसने अचानक से अपनी पॉकेट से एक गन निकाली, रिवॉल्वर निकाली और दो गोलियां चलाई। आई फेल्ट अ सडन हॉट हियर एज इफ अ रेड हॉट आयरन हैड बीन प्रेस्ड टू माई थाई। अब स्टार्टिंग में हमने देखा था एक वर्ड आया था कि ब्लड ब्लड लेटिंग वाला वर्ड आया था कि दैट हैड मी अ ब्लड लेटिंग, यानी कि मेरे को खून सहना पड़ा। तो मैंने आपको बताया था नरेट कौन कर रहा है स्टोरी? डॉक्टर वॉटसन। अब ये गोली किसको लगी थी? डॉक्टर वॉटसन को थाई पे लगी थी, जिसे कि जैसा कि उसे फील हुआ एकदम मतलब गरम गरम लाल लाल लोहा जो है उसकी टांग पर किसी ने लगा दिया हो। देर वॉज ए क्रैश एज होम्स पिस्टल केम डाउन ऑन द मैंस हेड। और जैसे ही मेरे हल्की सी थाई पर गोली टच हुई थी, तभी क्या है शेरलॉक ने अपनी पिस्टल निकाली और उसका जो बैक साइड होता है वो उस बंदे के सिर पर मार दिया, जॉन गैरिडेब के सिर पर। आई हैड अ विजन ऑफ हिम स्प्रॉलिंग अपॉन द फ्लोर विद ब्लड रनिंग डाउन हिज फेस वाइल होम्स रमेज्ड हिम फॉर वेपन्स। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग का मीनिंग होता है मतलब चारों ओर फैलता हो या फिर एकदम से पसर जाना। और रमेज्ड, रमेज्ड का मीनिंग होता है तलाश करना। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जैसे मैं वहाँ पर था तो होम्स ने उसके सिर पर मारा तो वो एकदम से नीचे गिर गया फ्लोर पर, और उसके बाद क्या है उसके सिर से खून आने लग गया और इतने में होम्स उसकी तलाशी लेने लग गया कि उसके पास और कोई हथियार तो नहीं है। देन माई फ्रेंड्स वायरी आर्म्स वर राउंड मी एंड ही वॉज लीडिंग मी टू अ चेयर। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे दोस्त की जो बाहें थी उसमें मैं पसर गया था, यानी कि वो बाहें मेरी चारों तरफ आ गई थी और वो मुझे चेयर तक खींच कर ले गया। अब आगे बात आती है यू आर नॉट हर्ट वॉटसन फॉर गॉड सेक से दैट यू आर नॉट हर्ट। अब उसे चिंता हो रही है शेरलॉक होम्स को डॉक्टर वॉटसन की कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? भगवान की कसम खाओ तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? इट वॉज वर्थ अ राउंड, इट वॉज वर्थ मैनी वाउंड्स। अब वर्ड आ रहा है वाउंड। तो वाउंड का मीनिंग होता है घाव या चोट, कि ये तो एक छोटी सी चोट थी, ये तो एक छोटी सी चोट थी, यानी कि थोड़े बहुत ही घाव थे। टू नो द डेप्थ ऑफ लॉयल्टी एंड लव विच ले बिहाइंड द कोल्ड मास्क। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव है वो कितना मतलब स्ट्रिक्ट रहने वाला बंदा था और इतना पत्थर दिल था। मैंने उसकी पहली बार इतनी दयालुता देखी थी, उसके मन में मेरे लिए इतना प्यार पहली बार मैंने देखा था। द क्लियर हार्ड आइज वर डिम्ड फॉर अ मोमेंट एंड द फर्म लिप्स वर शेकिंग। अब वो बता रहा है कि उसकी जो कड़कती हुई आंखें थी वो एकदम से डिम हो गई थी मेरे लिए, और उसके जो मतलब लिप्स है वो भी इस तरह घबराहट के मारे कंपकपी सी उसमें होने लग गई थी। फॉर द वन एंड ओनली टाइम आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ ग्रेट हर्ट एज वेल एज ऑफ अ ग्रेट ब्रेन। और अब वो उसकी बड़ाई कर रहा है शेरलॉक होम्स की डॉक्टर वॉटसन, कि ये मैंने पहली बार ये बात देखी थी कि ये इसका दिल इतना दयालु भी है और इतना मतलब अच्छा दिमाग भी है। ऑल माई ईयर्स ऑफ हम्बल बट सिंगल माइंडेड सर्विस कल्मिनेटेड इन द दैट मोमेंट ऑफ रिविलेशन। अब यहाँ पर बात आ रही है कि मतलब इतना टाइम हो गया मेरे को इस बंदे के साथ रहते हुए, लेकिन मैंने आज तक इसको इस तरह से रिवील होते हुए नहीं देखा, यानी कि इतना काइंड हार्टेड होते हुए नहीं देखा। इट्स नथिंग होम्स, इट्स अ मैन मेयर स्क्रैच। अब वो कहता है कि होम्स ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक छोटी सी खरोंच है। कौन बोल रहा है बात? डॉक्टर वॉटसन।
सो ही हैड रिप्ड अप माई ट्राउजर्स विद माई विद हिज पॉकेट नाइफ। तो वो क्या है, उसने मेरे ट्राउजर को एकदम से उधेड़ दिया अपने पॉकेट में रखे हुए नाइफ से। यू आर राइट ही क्राइड विद एन इमेंस साई ऑफ रिलीफ, इट इज़ क्वाइट सुपरफिशियल। अब वो कहता है कि तुम सही हो, मतलब उसने एक मतलब राहत की सांस लेते हुए बोला कि तुम हाँ सही हो। इट इज़ क्वाइट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं है, कि ये ज़्यादा गहरा घाव नहीं है, जल्दी भर जाएगा। हिज फेस सेट लाइक फ्लिंट एज ही ग्लेयर्ड एट आवर प्रिजनर हु वॉज सिटिंग अप विद अ डेज्ड फेस। अब वो कहता है कि जैसे ही मतलब मेरे को थोड़ा सा आराम मिला, उत्ते में क्या हो, उसके जो फेस है वो मतलब गर्म हो गया था, फ्लिंट फ्लिंट यानी कि एकदम से आग की तरह भड़कने लग गया था। तो मेरे दोस्त शेरलॉक होम्स का जो फेस है वो एकदम से भड़का सा हो गया, मतलब भड़कने लग गया, और वो एकदम से गुस्से से हमारे प्रिजनर को यानी कि जॉन गैरिडेप को देखने लग गया, जो कि वहाँ पर डेज्ड फेस यानी कि उदास सा मुँह लेकर बैठा था, या फिर कन्फ्यूज्ड सा था ये कह सकते हैं। बाय द लॉर्ड इट इज़ एज वेल फॉर यू, इफ़ यू हैड किल्ड वॉटसन यू वुड नॉट हैव गोट आउट ऑफ दिस रूम अलाइव नाउ सर, वट हैव यू टू से फॉर यूर सेल्फ। अब ये बात कौन बोल रहा है, शेरलॉक होम्स बोल रहा है कि अगर मेरे दोस्त वॉटसन को तुमने अगर मार दिया होता या उसे कुछ हो गया होता तो मैं भगवान की कसम खा के बोल देता हूँ आज तुम इस रूम से जिंदा नहीं जा सकते थे, और अब तुम आगे क्या करोगे। ये बात कौन बोल रहा है, शेरलॉक होम्स। He had nothing to say for himself. He only lay and scowled. अब क्या है कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता था, अब वो सिर्फ लेटा हुआ था और उदास सा दिख रहा था, scowled सा दिख रहा था। I leaned on Holmes' arm and together we looked down into the small cellar which had been disclosed by the secret flap. तो अब यहाँ बात हो रही है कि leaned क्या होता है, मतलब सहारा देना, मतलब उसकी मतलब शेरलॉक होम्स की बाहों में मैं सहारा लेकर पड़ा हुआ था, और हम एक दूसरे मतलब हम दोनों क्या देख रहे थे, द स्मॉल सेलर यानी कि उस तहखाने को देख रहे थे जो कि एक सीक्रेट मतलब सीक्रेट फ्लैप यानी कि फ्लैप कह सकते हैं एक कपड़ा, लेकिन ये कारपेट से था तो यहाँ पर कारपेट यूज़ करेंगे। तो क्या था कि एक कारपेट से ढका हुआ था ये तहखाना, उस तहखाने के ऊपर की तरफ हम देख रहे थे। इट वॉज स्टिल इल्यूमिनेटेड बाय द कैंडल विच इवांस हैड टेकन डाउन विद हिम, और कह रहे हैं कि ये अभी भी इतना चमकीला सा लग रहा था, यानी कि उसमें अभी भी रोशनी आ रही थी क्योंकि कैंडल लेकर आया था हमारा कौन, इवांस भैया हमारे किलर इवांस, इसमें कैंडल लेकर आए थे, वो अभी भी जग रही थी। और आईज फेल अपॉन अ मास ऑफ रस्टेड मशीनरी, ग्रेट रोल्स ऑफ पेपर, अ लीटर ऑफ बॉटल्स एंड नीटली अरेंज्ड अपॉन अ स्मॉल टेबल अ नंबर ऑफ नीट लिटिल बंडल्स। और इतने में ही क्या है, हमारी नज़र कहाँ गई, एक रस्टेड सी एक जंग लगी हुई मशीन पर गई, उसमें पेपर रोल किए हुए पड़े थे, बॉटल्स भी पड़ी थी, और क्या है नीटली अरेंज किया हुआ, मतलब एक छोटी सी टेबल थी जिसे बिल्कुल साफ करके रखा गया था, और उस पर क्या थे छोटे छोटे मतलब नोटों के बंडल पड़े थे वहाँ पर जो साफ सुथरे पड़े थे। अ प्रिंटिंग प्रेस, अ काउंटर थिएटर आउटफिट, सैड होम्स। और तभी क्या है हमारे शेरलॉक होम्स को डाउट होता है और वो एकदम से चिल्लाते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस, एक नकली नोट छापने वाली मशीन। यस सैड वन, सैड आर प्रिजनर स्टेगरिंग स्लोली टू हिज फीट एंड देन सिंकिंग इनटू द चेयर। अब वो मतलब हमारा जो प्रिजनर था, हमारा जो कैदी था जॉन गैरिडे, वो मतलब धीरे धीरे आते हुए हमारे पास मतलब कराते हुए धीरे धीरे नीचे पड़ा हुआ बोलता है कि हाँ सर ये वही मशीन है जो नकली नोट छापती है, और ये स्टैगरिंग का मीनिंग होता है चौंका देने वाला, मतलब वो भी चौंक कर देखने लग गया था। द ग्रेटेस्ट काउंटर फिटर लंडन एवर सो दैट प्रेसबरी मशीन एंड दोज बंडल्स ऑन द टेबल आर 2000 ऑफ प्रेसबरी नोट्स वर्थ 100 ईच एंड फिट टू पास एनीवेयर। अब वहाँ पर क्या था कि प्रेसबरी की वो मशीन थी, प्रेसबरी कौन था, जिस बंदे को मारा था हमारे जॉन गैरिडेप नाम के झूठे बंदे ने, तो प्रेसबरी के पास क्या थी, एक मशीन थी जो नकली नोट छापती थी, और वहाँ पर 2000 नोट पड़े थे जो कि 100-100 डॉलर के कह सकते हैं, सेंट के कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इतने के नोट थे, और पूरे 2000 नोट थे जिससे कि कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। हेल्प योरसेल्फ जेंटलमैन, कॉल इट अ डील एंड लेट मी बीट इट। और फिर वो कहता है कि ये एक अच्छी डील होगी अगर हम हाथ मिला लें तो, अगर आप मेरा साथ दें तो आप भी मतलब अमीर बन जाएंगे।
अब उसके बाद क्या होता है, होम्स हंसता है शेरलॉक होम्स, वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट मिस्टर इवांस, देयर इज नो बोल्ट होल फॉर यू इन दिस कंट्री। अब वो कहता है कि हम इस तरह की बेतुकी हरकतें नहीं करते हैं तुम किलर इवांस, और ना ही तुम्हारे लिए अब इस देश से भागने के लिए कोई रास्ता है। बोल्ट होल का क्या मीनिंग होता है, भागने का रास्ता। यू शॉट दिस मैन प्रेसबरी डिड यू नॉट, तुमने प्रेसबरी को मारा था क्या, तुमने नहीं मारा था। यस सर एंड गॉट 5 years फॉर इट, दो इट वॉज ही हु पुल्ड ऑन मी 5 years व्हेन आई शुड हैव हैड अ मेडल द साइज ऑफ सोप प्लेट। तो वो कहता है कि जी हाँ सर, इसके लिए मैंने 5 साल जेल में भी बिताए हैं 5 साल, हालांकि मुझे एक मेडल मिलने वाला था सोप प्लेट जितना, लेकिन अब वो नहीं मिला मुझे, बल्कि 5 साल की जेल होगी। नो लिविंग मैन कुड टेल अ प्रेसबरी फ्रॉम अ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड आई हैडंट पुट हिम आउट ही वुड हैव फ्लडेड लंदन विद देम। और कह रहा है कि कोई भी बैंक इंग्लैंड का उसे पकड़ नहीं सकता था प्रेसबरी को, लेकिन मैंने पकड़ लिया था, और अगर ना पकड़ा होता तो वो पूरे लंदन को ही बेच देता इस चक्कर में, मतलब नकली नोट ने छाप छाप कर खुद अमीर बन जाता। आई वॉज द ओनली वन इन द वर्ल्ड हु न्यू वेयर ही मेड देम, और मैं एक अकेला इकलौता बंदा हूँ जो ये जानता था कि वो पूरी दुनिया में कहाँ पर ये नोट छापता है। कैन यू वंडर दैट आई वॉन्टेड टू गेट टू द प्लेस, क्या आप नहीं जानना चाहते कि मैं इस प्लेस तक कितनी मुश्किल से पहुँचा हूँ। And can you wonder that when I found this crazy boob of a bug hunter with the queer name squatting right on the top of it and never quitting his room, I had to do the best I could to shift him. अब वो कहता है कि आपको जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि ये जो मतलब गुस्ताख बंदा था, crazy boob of a bug hunter क्या होता है, गुस्ताख या गलती करने वाला या बेवकूफ। तो ये यहाँ पर ये बात करे कि ये जो बेवकूफ बंदा है अजीब से नाम वाला, इसको निकालने के चक्कर में आपको पता भी है मैंने कितनी ये स्टोरी बनाई है, कितनी बड़ी टेल बनाई है मुश्किल से, जो कि कभी भी अपने रूम को नहीं छोड़ता था। आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड टू शिफ्ट हिम, मतलब मैंने पूरी अपनी जान लगा दी इसको बाहर निकालने के चक्कर में। मे बी आई वुड हैव बीन वाइजर इफ आई हैड टू पुट हिम अवे, इट वुड हैव बीन ईजी इनफ, बट आई एम ए सॉफ्ट हार्टेड गाय दैट कांट बिगिन शूटिंग अनलेस द अदर मैन हैज ए गन ऑल्सो। अब ये अपना खुद का ही बढ़ावा कर रहा है कि मतलब मैं एक बहुत ही मतलब मैं आसानी से इसको बाहर निकाल सकता था एक गन दिखाकर, लेकिन मैं क्या एक दयालु बंदा हूँ और इसलिए जब तक सामने वाला वार ना करे तो मैं भी अपनी गन नहीं निकालता। बट से मिस्टर होम्स व्हाट हैव आई डन रॉन्ग एनी हाउ, लेकिन बताइए कि मैंने गलती क्या की है इसमें। आई हैव नॉट यूज दिस प्लांट, मतलब मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। आई हैव नॉट हर्ट दिस ओल्ड स्टिफ, वेयर डू यू गेट मी, कि मैंने इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया इस बंदे को, तो आप मुझे क्यों पकड़ेंगे। ओनली अटेम्प्टेड मर्डर सो फार एज आई कैन सी सैड होम्स, तो अब होम्स हमारे जो शेरलॉक होम्स बोलते हैं डिटेक्टिव साहब कि तुमने एक मर्डर भी तो किया था, जो कि सो फार एज आई कैन सी, जैसे कि मैं अब देख सकता हूँ तुमने एक मर्डर भी तो किया था, बट दैट्स नॉट आवर जॉब, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। दे टेक दैट एट द नेक्स्ट स्टेज, बट वी वॉन्टेड एट प्रेजेंट वी जस्ट present was just your sweet self, please give the yard a call Watson, it won't be entirely unexpected। तो अब वो वॉटसन को, डॉक्टर वॉटसन को शेरलॉक होम्स बोलने लग जाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये आगे जिनका काम है वो देख लेंगे, हमारा तो काम है हम सिर्फ इसको इस नादान से बंदे को पकड़ कर ले जाएं, तो इसलिए कॉल मिलाओ भाई। So those were the facts about Killer Evans and his remarkable invention of the three garrotes। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई, और अब क्या है, यही पता लग गया कि Killer Evans ने ही ये तीन garrotes वाली कहानी रची थी। We heard later that our poor old friend never got over the shock of his dissipated dreams। अब यहाँ पर वर्ड आया dissipated, dissipated का मीनिंग होता है नष्ट होना या नष्ट करना। तो हमने बाद में सुना कि हमारा जो गरीब सा नादान सा दोस्त था नैथन गैरीडेब, उसको कभी भी अपने मतलब ड्रीम्स जो है उसके नष्ट हो चुके थे, और इसके लिए उसे शौक भी लगा था, या शायद नहीं लगा था, ऐसा ही कुछ है। व्हेन हिज कैस्टल इन द एयर फेल डाउन इट बरीड हिम बीनीथ द र्यून्स। तो अब क्या है मतलब उसका नीचे की तरफ उसके एक तहखाना था, इसकी वजह से क्या उसे खोलने की वजह से उसकी सरफेस शायद ढीली होगी, जिसकी वजह से वो अंदर ही दब गया जब वो गिरा।
ही वॉज लास्ट हर्ड ऑफ एट अ नर्सिंग होम इन ब्रिक्सटन। और इसे लास्ट कहाँ जाना गया था, ब्रिक्सटन में एक नर्सिंग होम में ही उसके बारे में जानकारी मिली थी लास्ट। इट वॉज अ ग्लैड डे एट द यार्ड वेन द प्रेसबरी आउटफिट वॉज डिस्कवर्ड फॉर दो दे न्यू दैट इट एग्जिस्टेड दे हैड नेवर बीन एबल आफ्टर द डेथ ऑफ द मैन टू फाइंड आउट वेयर इट वॉज। अब वो एक बहुत ही शानदार दिन था यार्ड में जब प्रेसबरी के बारे में जानकारी मिली थी हमें, या पूरी उसकी जानकारी आई थी, लेकिन वो फिर भी पकड़ा नहीं गया था। और उसकी डेथ के बाद क्या है, उसे ढूंढना या उसका पता करना कि वो कहाँ है, वो मशीनरी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हुई थी। इवांस हैड इंडीड डन ग्रेट सर्विस एंड कॉज्ड सेवरल वर्थी सीआईडी मैन टू स्लीप द साउंडर फॉर द काउंटरफीटर स्टैंड्स इन अ क्लास बाय हिमसेल्फ एज अ पब्लिक डेंजर। तो अब क्या है, ये बता रहे हैं कि इवांस ने एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा काम किया है, लेकिन उसने क्या किया, सीआईडी वालों को भी मतलब काफ़ी लोगों को, सीआईडी के लोगों को मौत के घाट उतारा सिर्फ उस काउंटरफीटर के लिए, यानी कि उस नकली नोट छापने वाली मशीन के पीछे, और जनता को भी डेंजर में डाल दिया खुद के फायदे के लिए। दे वुड विलिंगली हैव सब्सक्राइब्ड टू दैट सूप प्लेट मेडल ऑफ विच द क्रिमिनल हैड स्पोकन बट एन अनएप्रिशिएटिव बेंच took a less favorite view and the killer returned to those shades from which he had just emerged। और लास्ट में क्या होता है कि मतलब जो सूप प्लेट के बारे में, मेडल के बारे में, वो क्रिमिनल यानी कि जेम्स या फिर किलर हमारा जो बंदा है, सॉरी जॉन गैलिडे भी हमारा किलर इमांस जो है जिसके बारे में बात करता है, वो आखिरकार इसे मिलता है। और लेकिन एक एन अप्रिशिएटिव बेंच, बेंच क्या होता है, न्यायालय या फिर अदालत कह सकते हैं, कि अदालत को इसे मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आया था ये क्रिमिनल, तो वापस से क्या हुआ, ये जो हमारा किलर इवांस है ये वापस से अपनी वेशभूषा में आ गया आखिरकार, और उसे वापस से जेल के पर्दे के पीछे जाना पड़ा जहाँ से वो आया था। और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है यहाँ पर। अबाउट द ऑथर हम पढ़ चुके हैं, तो अगर मुझे टाइम मिला या फिर पॉसिबल हुआ तो इसकी समरी बना देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टोरी है, समझने में दिक्कत आती है। और अगर ना पॉसिबल हुआ तो स्टोरी तो पूरी देख ही लीजिएगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की गई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर या फिर पोएम के साथ, यानी कि शॉर्ट स्टोरी ऐसे या पोएम के साथ, और डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ें ढूंढने में दिक्कत ना आए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।